here gears. Gears are used for the power transmission from primary shaft to secondary shaft. Primary shaft in bigger size and secondary shaft in smaller size. The motor jo hai wo attached in the primary shaft. First, gears require the lesser space in comparison to the belt and chain drive. However, the cost of manufacturing is high because जो gears के teeth हैं उनको design करने के लिए हमें special equipment required होता है. Cost of manufacturing is high as special tools and equipment are required for that. Gears जो है depends upon the shaft axis. Different types of gears हैं. First आप ये blackboard पे diagram देखते हैं. First है spur gear. Second है helical gears and third is the bevel gear and next है worm gears and second pinion gears. First हम करेंगे spur gear. Spur gear में आप देख रहे हैं diagram में देखिए. First है spur gear. Spur gear को this outer surface को हम बोलते हैं spur gear के. This सबसे इसको draw करने के लिए आपको first center axis draw करिए horizontal and वर्टिकल एक्सिस. जस्ट आपने ये सेंटर लाइन ड्रा कर दी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, फर्स्ट इसमें आप सर्कल ड्रा कर लिए. दिस इज कॉल्ड ए अटेंडम एंड नेक्स्ट इज द दिस इज पिच सर्कल एंड दिस इज ए बेस सर्कल एंड थर्ड इज द डिटेंडम. इस गियर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले जो लाइन आपकी ये दिस इज ए बेस सर्कल. बेस सर्कल को आपने डिफरेंट डिविजन्स में जितने की टोटल डिग्री चाहिए उतने डिविजन्स में आप इसको डिवाइड कर दीजिए. जैसे जस्ट देखिए मैंने इसको डिवाइड किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो जो टीथ बनाने के लिए आपने एक एक इसको छोड़ के नेक्स्ट पे टीथ बनाना है. इसमें आप मतलब यहाँ सेंटर लाइन से जो नेक्स्ट है यहाँ से आपने इस टाइप की आर्च ली और फिर उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, फिर आपने दूसरी साइड खींची. ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे ही आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेना है. इसको इस टाइप से ड्रा किया, फिर इसको ऐसे ड्रा किया. सेम आपने ऐसे किया ऐसे और ये. इस हिसाब से सेम आपने सेम तरीके से सारे गीत ऐसे ड्रा कर लिया. ठीक, उसके बाद जो आपका डिडेंडम वाला पॉइंट है यहाँ से आपने इस गीत को इस हिसाब से मोड़ के जस्ट ये आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया. सेम ऐसे आपने बाकी गीत ड्रा कर लिए. ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने ये आर्क किया, इधर किया, ये ऐसे ड्रा हो गया. इस टीप को आप इसमें ज्वाइन कर दिया आपने. नेक्स्ट फिर आपने ये टीप एक पॉइंट छोड़ के आपने फिर आपने उसको ऐसे ड्रा किया. तो ऐसे देखिए सेम आपने इस टाइप से आपने ये सारे टीप सेम आपने यहाँ पर भी ऐसे इसको ड्रा किया. या फिर सिमेट्री करके आपने इधर इतने कंपास एंड स्केल आपने इनको ड्रा करना है स्मूथली. ठीक है, मैंने सेमी सर्कल बनाया है, आप इसको फुल सर्कल में ऐसे ही टीथ दिखाएंगे. दिस इज स्पर गियर. जो टीथ है वो डिपेंड्स अपॉन द स्पर गियर टीथ. स्पर गियर इजी टू डिजाइन एंड मोर एफिशिएंट एंड टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. और स्पर गियर्स में ट्रांसमिशन पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट यूज इन इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर मशीन वॉशिंग मशीन एंड क्लोथ ड्रायर्स में यूज होता है स्पर गियर. नेक्स्ट है आपका हेलिकल गियर्स. हेलिकल गियर्स में स्पर गियर के टीथ जो है स्ट्रेट होने की वजह वो थोड़ा नॉइसी होते हैं हेलिकल गियर्स. नेक्स्ट है आपका हेलिकल गियर्स. इसमें शाफ्ट देखिए आप स्ट्रेट है. दिस इज एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस. और जो टीथ है वो इंक्लाइंड है. दिस टीथ आर इंक्लाइंड इन शेप. हेलिकल गियर्स जो है यूज इन द पैरेलल शाफ्ट फॉर द सभी गियर्स पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज.
होते हैं, हेलिकल गियर यूज इन पैरेलल शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन, टीथ आर रिक्वायर्ड एट एंगल, टीथ आर इंक्लाइंड एट एंगल, थ्रू इंक्लाइंड टीथ इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम होता है, जो हेलिकल टीथ है वो इंक्लाइंड होने की वजह से उनका कॉन्टैक्ट एरिया बीच में ज्यादा हो जाता है, जिससे वो नॉइसी नहीं होते, और स्पर गियर जो है वो नॉइसी होते हैं, हेलिकल गियर्स लेस नॉइसी होते हैं और इंक्रीज हेलिकल गियर्स। थर्ड है आपका कैरी बोर्ड, दिस इज ए कैरी बोर्ड गियर, दिस इज ए शाफ्ट, सेम आपने जैसे स्पर गियर ड्राइव किया सेम वैसे ही आपने ये ड्राइव करना है, दीज आर की हेलिकल बोर्ड नहीं है, टू हेलिकल गियर्स इन ओपोजिट डायरेक्शन, इससे ये हैवी मशीनरीज में यूज होता है, टू हेलिकल गियर्स आर माउंटेड साइड बाय साइड टू कंट्रोल द एक्सियल लोड, ऑपरेशन स्मूथ है, इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द जो हेलिकल गियर्स के इंक्लाइन होने की वजह से बीच का कॉन्टैक्ट एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है, और हेलिकल गियर्स आर मोस्टली यूज इन द हैवी मशीनरी। थर्ड है आपका बीवेल गियर, ये आप देखिए बीवेल गियर भी सेम पावर ट्रांसमिशन वन एंगल, दिस इज ए शाफ्ट, दिस इज ए शाफ्ट, बीवेल गियर ट्रांसमिट टू एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री, हैव द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन एंड आर यूज्ड टू पावर ट्रांसमिशन बिटवीन द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, बीवेल गियर है इसके टीथ जो होते हैं वो स्ट्रेट भी हैं, स्पाइरल भी और कर्व शेप, आप देख रहे हो these are teeth are straight, these are spiral shape and curved shape, bevel gear jo hai are used in the power plants, steel plant aur railway track ka jo inspection chamber machine hai, railway track ki inspection machines mein use hota hai, printing presses mein bevel gears use hote hain। third fourth hai aapka worm gears, worm gear aap ye dekh rahe hain, this is the worm gear, isme these are screws, जैसे आपने स्क्रूज आपके फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, दीज आर स्क्रूज, दिस इज अ शार्प एंड जो बेवेल इसके वॉर्म गियर के जो टीथ है वो स्ट्रेट है, ठीक, इसके वॉर्म गियर इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेडेड स्क्रू, व्हिच वॉर्म गियर इज इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेडेड स्क्रू व्हिच एंगेज विद अ व्हील, एक्सिस ऑफ टू शार्प आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर जनरली एट द right angle to each other, worm gears have very high reduction ratio and special design material handling for the heavy jo conveyors hai material handling ke liye conveyors mein use kiya jata hai, special design material handling in the conveyors use, samajh aa gayi, worm gear is in form of a threaded screw, these are threaded screw which assist on the worm, रोटरी मोशन इन टू द लीनियर मोशन, जैसे आप कार स्टीयरिंग में जो देखते हैं तो कार स्टीयरिंग इज ए रोटरी मोशन, परफेक्ट एग्जांपल दिस इज द स्टीयरिंग सिस्टम ऑन मैनी कार्स, कार स्टीयरिंग सिस्टम रोटरी मोशन टू फ्रंट व्हील ऑफ द शाफ्ट इनटू लीनियर मोशन, दिस इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन, दिस इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन, दिस इज कॉल्ड पिनियन, ठीक है, इसका क्या है रैक एंड पिनियन का, टीथ आर स्ट्रेट आर यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इंटू लीनियर मोशन। नेक्स्ट थ्री पे गया था बीवेल, बीवेल गियर हो चुका है, बीवेल गियर भी हो गया है और नेक्स्ट आपका वॉर्म गियर भी हो चुका है, हेलिकल गियर, ठीक है, दीज आर द गियर्स व्हिच यू हैव टू डिजाइन इन द फाइल्स पे, आपने इसको डायग्राम्स को बनाना है, जैसे मेरी डायग्राम आपको बोर्ड में बनाया गया है सेम टू सेम आपने कॉपी में बनाना है और इसका राइटिंग पार्ट करना है, व्हाट इज स्पर गियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे मैंने बताया था कि स्पर गियर जो है टीथ नॉइसी होती है, इसकी है हेलिकल गियर्स की टीथ नॉइसी कम होती है क्योंकि टीथ जो
जो है इंक्लाइन होने की वजह से इनका जो बीच का कनेक्ट एरिया वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से नॉइसी कम है। थर्डली आपकी ड्यूवल ईयर है, इसके बीच जो होती है स्टेट स्पाइरल एंटर शेप में है और वर्म ईयर में जो है टीथ स्टेट है और दीज आर कॉल्ड एज वर्म स्क्रू एंड दिस इज अ वर्म बीट। और टेलीफोन ईयर्स में जो है टू हेंकर ईयर ऑपोजिट डायरेक्शंस रेक एंड पिनल, दिस इज अ रेक एंड पिनल एंड दिस आल्सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपके डायग्राम्स आपके काफी ही प्रॉपर वे से बनाने हैं जैसे बनाए गए हैं और नेक्स्ट इस असाइनमेंट को आप अपने मुझे जो है आपके मेल में आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ओके। नेक्स्ट दिस असाइनमेंट है, नेक्स्ट आपको असाइनमेंट करवाई जाएगी स्प्रिंग्स टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स वो नेक्स्ट क्लास में होगी।